हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुकीज़ किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीज़न स्पेशल यमी एंड डिलीशियस मैंगो कलाकंद की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं यमी डिलीशियस मैंगो कलाकंद। मैंगो कलाकंद बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंगो का पल्प बना लिया है मैंने, रफली चॉप करके बस इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। इसमें ना पानी या दूध कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब यहाँ पे एक कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे फुल फैट मिल्क। मैंने 1 लीटर यहाँ दूध लिया है कलाकंद बनाने के लिए। दूध को गरम होने देंगे और दूध में एक उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूध में एक उबाल आ चुका है। अब दूध को हम कुक करेंगे जब तक ये इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। तो मलाई को हम स्क्रेप करते हुए अंदर मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे। स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम दूध को पकाएंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है और हल्का सा इसे मैंने कुक कर लिया है लगभग 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। इसे ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है दोस्तों। ऐड करते हुए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब नींबू ऐड करने के बाद ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है मिश्रण। बस अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप चीनी, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बढ़िया से मिक्स करेंगे जब तक चीनी बढ़िया से मेल्ट ना हो जाए। साथ में फ्लेवर के लिए हमें इसमें ऐड करना है मैंगो पल्प, जो हमने पहले से रेडी करके रखा है। तो चलिए सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। देख पा रहे हो इसका कलर कितना बढ़िया आ चुका है, क्योंकि हमने इसमें आम का पल्प ऐड किया है। चलिए अब इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये हल्का सा थिक ना हो जाए। तो हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 5-7 मिनट बाद आप देख पा रही है थिक हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टीस्पून घी, और फिर से इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। घी और इलायची ऐड करने के बाद मैंने और 2 से 3 मिनट कुक कर लिया था, देख पा रहे हैं आप इसकी थिकनेस। बस इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ताकि इसमें एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाए और टेस्ट भी। बस इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे मिक्स कर लें। 1 बार मिल्क पाउडर बढ़िया से मिक्स हो जाए, इसके बाद ही आप फ्लेम को ऑन करें। ऐसा करने से इसमें कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से ला कर खाते हैं। देख पा रहे आप, देखते ही खाने का दिल करे ऐसा टेस्टी मैंगो कलाकंद रेडी है दोस्तों। चलिए अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सेट करेंगे किसी भी प्लेट में, या फिर केक टिन में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक केक टिन में, जिसको मैंने पहले से ग्रीस करके रखा है। तो सारा मिक्सचर मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया है इस बॉल में, और इसे बढ़िया से सेट कर लें एक स्पून की मदद से। स्पून के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था ताकि इसमें चिपके नहीं। लीजिए ये सारा जो मिश्रण है मैंने फैला दिया है इवनली। बस इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे 1/2 घंटे के लिए। इसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे और इसे सर्व करेंगे। चलिए अब कलाकंद को गार्निश करते हैं कुछ नट्स से। मेरे पास यहाँ पर काजू बादाम है, आप चाहे तो पिस्ता से भी कर सकते हैं, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। लीजिए यहाँ पे मैंने गार्निश कर लिया है काजू बादाम से। 1/2 घंटे या घंटे के लिए इसे हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे। देख पा रहे हैं आप 1 घंटे बाद एक कलाकंद बढ़िया से सेट हो चुका है। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। कट करके सर्व करने से दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। देखते ही खाने का दिल करें ऐसा टेस्टी मैंगो कलाकंद बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये सर्व हो चुका है,
तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, और आप इस रेसिपी को कब बनाने वाले हो ये भी मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।